बुलंद देवी जी उनके साथ हम गए, टोटल वजन बुलंद देवी का 35 किलो भी नहीं था, 32-33 किलो वजन की बुलंद की, और बिल्ली से भी ज़्यादा तेज, ब्लैक कैट कमांडो जैसे ब्लैक कैट काली बिल्ली जिसका, तो एक्चुअली जो उनमें उनके साथ में दो महीने रात वाली थी यानी सावकांशी नाम की कार में ही वो बैठी है, अगर इसको बाढ़ भी मारना हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिल्ली पुलिस का उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये चीज़ें ठीक नहीं होती नाम लेना। तो हम लोग चंबल के भीड़ में से लेके उनको गए, और जब चंबल के भीड़ में उनको लेके जा रहे थे बुलंद देवी को, तो उन्होंने कहा कि जिसको जान की डर है, जान की जो परवाह करते हैं वो हमारे इससे जिप्सी से निकल जाए। हमने तीन तरीके से उनका जाने का तरीका अपनाया कि वो बाई एयर जाएंगे, वो बाई ट्रेन जाएगी, दो दो तीसरा बताया गया। तो लोगों को ये था कि बाई एयर आ रही है, कुछ लोग षड्यंत्र के तहत वो एयरपोर्ट पर खड़े थे, यहाँ भी वहाँ भी कुछ लोग स्टेशन पर खड़े थे दिल्ली और ग्वालियर में, हमने ये कहा कहीं और जा रहे थे चाचा जी। तो उनका जब मैं देखता हुआ तो पहली नजर मैंने निगाह मारी डॉक्टर सरोज कुमार जी, तो मुझे बुलंद देवी की परवस याद आ गई, इतनी बातों में रहती। और साहब कांशीराम जी कहते थे कि मैं पीएसओ पे विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन अपने समाज के बेटों पे विश्वास करता हूँ, तो अगर इस लड़की का बाड़ा भी मारना हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो लड़ाई इन्होंने लड़ी मिनिस्ट्री के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, वो काबिले तारीफ है। कुछ उसकी चर्चा तो मैं अभी नहीं करूँगा, इन्होंने लंच के वक्त मुझे थोड़ी चर्चा की। तो एक बामसे की आपकी एक जो टीम है वो आपकी केंद्रीय कार्यकारिणी की एक लड़ाका टीम बनने जा रही है।